नगर पंचायत में साप्ताहिक बाजार नहीं लगाने के लिए नगर पंचायत सीएमओ अश्विनी कुमार शर्मा ने लाउडस्पीकर के माध्यम से सभी व्यापारी सब्जी वालों को सूचित किया था। फिर भी कल साप्ताहिक बाजार लगा और प्रतिदिन 2 बजे के बाद से सब्जी बाजार नहीं लगाने की चेतावनी लगातार नगर पंचायत के द्वारा दिया जा रहा था, लेकिन सब्जी विक्रेता सारे नियम को ताक में रखकर सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक सब्जी दुकान सड़क किनारे लगा रहे थे, जिसके बाद नियम उल्लंघन कर सब्जी बेचने वालों पर आज नगर पंचायत की टीम ने सब्जी जब्ती का कार्रवाई किया। एसडीएम एवं नगर पंचायत सीएमओ के आदेश का पालन नहीं करने वालों की आज सब्जी जब्त हुई, जिसमें सब्जी विक्रेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। आलू प्याज से लेकर कच्चा सब्जी तक सामान जब्ती करने की प्रक्रिया चालू हुई। इस संबंध में नगर पंचायत सीएमओ अश्विनी कुमार शर्मा ने कहा कि हम लगातार क्षेत्र की जनता सुरक्षित रहे इस उद्देश्य को लेकर जमीनी स्तर पर मेहनत करके लोगों को संपर्क में ना आए इस उद्देश्य से 2 बजे तक बाजार लगाने की अनुमति दे रहे हैं, फिर भी जो नियम उल्लंघन कर रहे हैं उनका आज सब्जी जब्ती किया गया है। सीएमओ अश्विनी कुमार शर्मा ने समस्त सब्जी विक्रेताओं से अपील किया है कि कल से 2 बजे के बाद कोई भी व्यापारी सब्जी ना बेचे, अन्यथा सब्जी लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई। एसडीएम मैडम द्वारा कल भी कार्रवाई किया गया था, 2 बजे का उनको सभी को बताया गया था कि 2 बजे तक ही लगाना है, रोड में नहीं लगाना है, मगर आज भी इन लोग के द्वारा रोड में लगाया गया, उनको तत्काल हटाने की कार्रवाई किया जा रहा है, सामान जब्ती किया जाएगा, नहीं हटाने पर और कोई भी सामान नगर पंचायत में जब्तियों का मिलेगा नहीं, अपना सामान तत्काल हटाओ और यहाँ से ले जाओ, 2 बजे तक ही लगाना है, वो भी बाजार स्थल के अंदर में, कोई भी बाहर सामान नहीं बेचेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें IDP24 न्यूज, और हाँ, यूट्यूब में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।